नमस्कार दोस्तों, एसएस इंजीनियरिंग में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप साहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिलिका रिमिंग मास्क के बारे में। दोस्तों, सिलिका रिमिंग मास्क क्या होता है, उसको यूज क्यों किया जाता है एंड सिलिका रिमिंग मास्क कितने टाइप का होता है, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि सिलिका रिमिंग मास्क को कितनी डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जाता है, और दोस्तों सिलिका रिमिंग मास्क को बनाने के लिए किस टाइप के केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप लोग एसएमएस यानी कि स्टील मेल्टिंग शॉप में किसी भी पोस्ट पे हैं तो मेरी यह वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सिलिका रिमिंग मास्क को एसिडिक रिमिंग मास्क भी कहा जाता है। इसका यूज स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्निस एंड लैडल टंडिस वगैरह में किया जाता है, स्टील स्क्रैप और स्पंज आयरन को मेल्टिंग एंड ढलाई करने के लिए। अगर बात करें इसके यूज ऑफ टेम्परेचर की, तो दोस्तों सिलिका रिमिंग मास्क को टेम्परेचर अप टू 1710 डिग्री सेल्सियस दे आर यूज इन द लाइनिंग ऑफ इंडक्शन फर्निस एंड लैडल। यानी कि दोस्तों सिलिका रिमिंग मास्क को 1710 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर तक इसका यूज इंडक्शन फर्निस की लाइनिंग और लैडल में किया जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिमिंग मास्क की, यानी कि इंडस्ट्री में कितने टाइप के सिलिका रिमिंग मास्क का यूज किया जाता है। सो थ्री टाइप्स ऑफ सिलिका रिमिंग मास्क आर यूज इन द इंडस्ट्री। पहला एसिडिक रिमिंग मास्क, दूसरा बेसिक रिमिंग मास्क, तीसरा नेचुरल टाइप्स ऑफ रिमिंग मास्क। फर्स्ट इज एसिडिक रिमिंग मास्क, द मोस्ट कॉमनली यूज लाइनिंग मटेरियल फॉर इन इंडक्शन फर्निस इज एसिडिक लाइनिंग। इट नॉर्मली कंसिस्ट ऑफ हायर प्योरिटी सिलिका रिमिंग मास्क। सिलिका रिमिंग मास्क इज यूज फॉर मेल्टिंग कार्बन स्टील विथ कार्बन कॉन्टेंट हायर देन टू 0.1%। यानी कि दोस्तों एसिडिक रिमिंग मास्क मोस्ट कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज किया जाने वाला रिमिंग मास्क होता है, जो जनरली इंडक्शन फर्निस में लाइनिंग करने के लिए किया जाता है। ये हाई प्योरिटी सिलिका रिमिंग मास्क होता है। एसिडिक सिलिका रिमिंग मास्क का यूज अधिकतर उस फर्नेस में ज़्यादा किया जाता है जहाँ हाई कार्बन के माल बनते हैं, जहाँ कार्बन परसेंटेज हमारे 0.1% तक होता है। एंड उसके बाद है बेसिक रिमिंग मास्क। बेसिक रिमिंग मास्क अधिकतर उन प्लांट में यूज होते हैं जहाँ लो कार्बन या मीडियम कार्बन की स्टील बनते हैं। एंड उसके बाद है नेचुरल रिमिंग मास्क। नेचुरल रिमिंग मास्क अधिकतर फर्नेस की नाली टॉप एंड लैडर टॉप वगैरह बनाने और टंडिस की साइड लेयर में डालने के लिए यूज किया जाता है। हालांकि अभी काफ़ी मात्रा में रिमिंग मास्क उत्पादन होने लगा है, जैसे कि बहुत सी छोटी छोटी कंपनियां हैं जो रिमिंग मास्क बनाती हैं, जिनका प्राइस अदर रिमिंग मास्क से काफ़ी लो होता है। एक्चुअल में मेरा कहने का मतलब यह है कि अभी किसी भी प्लांट में रिमिंग मास्क का ग्रेड, उसकी क्वालिटी, उसकी लाइफ मैटर नहीं करती। इस वजह से फर्निस और लैडल की लाइफ काफ़ी हद तक कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जहाँ फर्निस को 20 हिट देना चाहिए वहाँ 15 हिट में ही डाउन करना पड़ता है। लैडल को जहाँ 150 से लेकर 200 हिट तक हीट देना चाहिए वहाँ 102-105 में ही डाउन करना पड़ता है। रिमिंग मास्क की क्वालिटी, उसका ग्रेड काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है। बोरिक एसिड जहाँ 50 केजी यूज होनी चाहिए वहाँ 20 केजी यूज होती है। एंड मैंने एक पॉइंट और भी नोटिस किया है कि कुछ प्लांटों में इतने बड़े बड़े इंजीनियर हो गए हैं लैडल और फर्निस साइड में कि रिमिंग मास्क को गर्म करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है और करने भी नहीं देते हैं, सीधा पैचिंग। मैं ऐसे लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। किसी भी चीज़ को अगर सिस्टमेटिक तरीके से यूज़ किया जाता है तो उसकी लाइफ, उसकी क्वालिटी, उसका ग्रेड एंड उसका केमिकल परसेंटेज बरकरार रहता है और वो परफॉर्म भी अच्छा करता है। वेल, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलिका रिमिंग मास्क यूज के बारे में। दोस्तों, पहले सिर्फ फर्निस में रिमिंग मास्क का यूज किया जाता था। लैडल की लाइनिंग ब्रिक्स से की जाती थी जिसमें हीट को लिया जाता था एंड ये टेक्निक काफ़ी कॉस्टली हुआ करती थी और काफ़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट होती थी। उसके बाद रिमिंग मास्क का यूज होना चालू हुआ एंड ब्रिक्स के कंपेयर रिमिंग मास्क सस्ता पड़ता है। जहां ब्रिक्स की लाइनिंग 100 हीट की लाइफ चलती है वहां रिमिंग मास्क 180-200 हीट तक लाइफ देती है, इसलिए रिमिंग मास्क का यूज किया जाता है और इसमें ज्वाइंट बनने जैसी कोई समस्या भी नहीं होती है। अब बात करते हैं व्हाट इज रिमिंग मास्क, यानी कि रिमिंग मास्क क्या है। तो दोस्तों, रिमिंग मास्क सिलिका, फेरिक ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड एंड एलुमिना का एक मिक्स मसाला पाउडर है जो इन सबको मिक्स करके बनाया जाता है। एंड इसको यूज करने से पहले
बोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है, जिससे रेमिंग मास की क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग और सॉलिड हो जाती है। इसमें सिल्का 98% तक यूज़ किया जाता है, फेरिक ऑक्साइड 0.04% से लेकर 0.06% तक यूज होता है, सोडियम ऑक्साइड 0.05% एंड एलुमिना 0.04% तक यूज किया जाता है। इसका यूज करने का जो टेम्परेचर होता है वो 1660 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1710 डिग्री सेल्सियस तक यूज किया जा सकता है। अगर बात करें इसके मेल्टिंग पॉइंट की, तो एसिडिक रेमिंग मास का मेल्टिंग पॉइंट 1900 डिग्री सेल्सियस तक होता है और बेसिक रेमिंग मास का 1750 से लेकर 1800 डिग्री सेल्सियस तक होता है एंड नेचुरल रेमिंग मास के मेल्टिंग पॉइंट 1400 डिग्री से लेकर 1600 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो दोस्तों, ये थी रेमिंग मास से रिलेटेड एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।